नमस्कार दोस्तों, मेडिसिनल किंगडम में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप लोग के बीच फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। और मैं इस कोशिश करूँगा आप लोग को कुछ अच्छा सिखाने का, अच्छा जानकारी देने का। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आपके बच्चों के लिए बेस्ट विटामिन्स के बारे में, कि आपके बच्चों के लिए सबसे बढ़िया मल्टी विटामिन क्या होगा अगर आप देना चाहते हैं तो। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा स्वस्थ है, अगर आपका बच्चा हेल्दी है, तो किसी भी तरह का मेडिकेशन से दूर रखें बच्चों को, क्योंकि एलोपैथ का हर एक मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, चाहे मल्टी विटामिन्स हो, कैल्शियम हो, या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होता ही है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को कोई भी विटामिन्स, तो आप एक बार जरूर से डॉक्टर से सलाह लें, उसके अकॉर्डिंग वो जो बेस्ट होगा, जिसकी साइड इफेक्ट कम होगी, वो आपको सजेस्ट करेंगे। अब बात करते हैं हम उन बच्चों के लिए जिनको, जो बच्चे साल से 1.5 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनका जो बोन डेंसिटी है, हड्डियों में वो पावर नहीं है, हड्डियों में वो ताकत नहीं है कि वो चल सके, चलने फिरने में उनको दिक्कत हो रहा है छोटे बच्चों को, क्योंकि साल से 1.5 साल के हैं। बहुत सारे ऐसे केस देखे जाते हैं जिसमें कि छोटे बच्चों में जो है, साल 1.5 साल के बच्चों में जो है, चलने फिरने में उनको दिक्कत रहता है। उसका रीजन होता है वीकनेस, बोन का वीकनेस, हड्डियों में कमजोरी। तो उस कंडीशन में बहुत सारे डॉक्टर्स के द्वारा कैल्शियम वगैरह दिया जाता है, मल्टी विटामिन्स वगैरह दिया जाता है, ताकि उसके बॉडी में जो है स्ट्रेंथ आए, मजबूती आए। तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे कैल्शियम विटामिन वगैरह देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हड्डी के मजबूती के लिए जो कैल्शियम दिया जा रहा है बच्चों को, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि वो हजम नहीं कर पाते हैं, उससे जो है बच्चों से डाइजेस्ट नहीं होता है कैल्शियम, या तो उसका पेट खराब हो जाता है, या कफ जो है काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होने लगता है। तो आज बात करेंगे कि उसी के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो है मल्टीविटामिन, कैल्शियम, या फिर बेस्ट मेडिसिन कौन सा रहेगा, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा उसके लिए, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच लाया हूँ जो मेडिसिन, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन जो उसका कंपोजिशन है, जो उसमें मटेरियल मिला हुआ है, जो उसमें मेडिसिन मिला हुआ है, उसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3। रोमिकल डी के नाम से भी आता है, और भी बहुत सारे नामों से ये मार्केट में, मेडिकल में अवेलेबल रहता है। और मेरे पास जो है, देख सकते हैं, कैल्स्ट्राविट D3 के नाम से मेरे पास जो है अवेलेबल है कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 ओरल ड्रॉप। अब बात कर लेते हैं ये बेस्ट कैसे है, इसके बारे में देख सकते हैं ये है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है सबसे बेस्ट क्यों है। बेस्ट ये इसीलिए है क्योंकि जो जिन बच्चों को ड्रॉप में आता है, ये ड्रॉप में भी आता है, कैप्सूल्स में भी आता है, और जो है सिरप में भी आता है, बहुत अलग अलग तरीके से अपना अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ड्रॉप, आज बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जो है ये ड्रॉप का के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका दोस्तों काम ये होता है कि जिन बच्चों को ये दिया जाता है, उन बच्चों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया से होता है, मतलब जो भी वो आहार लेता है, खाता है, पीता है, दूध पीता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध में पाया जाता है। तो उस दूध से जो कैल्शियम है, उसको वो एब्जॉर्ब बहुत तेज़ी से करता है, और उसको बॉडी में स्टोर करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी और बोन में जो हड्डी में जो कमजोरी होता है, उसको ये पल भर में दूर कर देता है। इसके ही वजह से जो है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 जो कि हड्डी को मजबूत करने का काम करता है, हड्डी का जो लाइफ है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ये इसका जो नाम है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों का है, लेकिन इसका जो है कंपोजिशन है कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3। अब इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप ड्रॉप में आता है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कफ है, कफ फॉर्म करने, जिस बच्चे में कफ ज़्यादा बनता है उसके लिए दिक्कत का एक विषय हो सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज़ है कि डिजनेस का प्रॉब्लम होता है, और कुछ जो है इसकी साइड इफेक्ट
जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे स्क्रीन शॉट आपको लेकर के मैं दे दूंगा, जो कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ साइड इफेक्ट जो है कॉमन साइड इफेक्ट इसके हैं। तो इसीलिए किसी भी मेडिसिन को बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें, क्योंकि एलोपैथ मेडिसिन का हर एक मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, वो अगर आपको सजेस्ट करते हैं तो फिर मेडिसिन को आप कंटिन्यू करें, अन्यथा किसी भी वीडियो को देख के कहीं पे भी सर्च करके देख करके आप अपने बच्चों का हेल्थ या खुद का हेल्थ या अपने घर वालों के हेल्थ से मजाक ना करें, खिलवाड़ ना करें। इसलिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के बीच हमेशा लाता रहता हूँ, अच्छी अच्छी जानकारी आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।